हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेस एंड आई एम योर एजुकेटर सुप्रिया। तो आज हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि स्टेम सेल क्या होता है और स्टेम सेल पोटेंसी या फिर सेल पोटेंसी क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड और पार्शियली डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एंड हैव इनडेफिनिट सेल डिवीजन। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं या फिर पार्शियली डिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मींस होता है नॉट अ स्पेसिफिक फंक्शन, जिनका कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है और वो किसी भी टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, कैन डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एंड हैव इनडेफिनिट सेल डिवीजन। इनडेफिनिट सेल डिवीजन होता है और किसी भी टाइप्स ऑफ सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं, चाहे वो किडनी के सेल्स हो, ठीक है, ब्रेन के सेल्स हो, हार्ट सेल्स हो, कोई भी सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। स्टेम सेल्स आर फाउंड इन बोथ एम्ब्रियोनिक एंड अडल्ट ऑर्गेनिज्म एंड हैव स्लाइटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ईच। तो स्टेम सेल्स जो होते हैं बोथ एम्ब्रियोनिक और अडल्ट ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और दोनों में इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी गई है। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनका फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, नॉट अ स्पेसिफिक फंक्शन, और इनके पास डिफरेंशिएट होने की प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और किसी भी सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं। सो अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं और अडल्ट स्टेम सेल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, दीज स्टेम सेल्स केम फ्रॉम इम्ब्रियो, ऐसे स्टेम सेल्स जो इम्ब्रियो से आते हैं एंड दीज आर प्लूरिपोटेंट। तो प्लूरिपोटेंट क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि ऐसे सेल्स जो बहुत सारे सेल्स में, अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स मीन्स दे कैन डिवाइड इनटू मोर स्टेम सेल्स और कैन बिकम एनी टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी। तो स्टेम्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो इम्ब्रियो से आते हैं और ये प्लूरिपोटेंट होते हैं। प्लूरिपोटेंट ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज होती है कि वो बॉडी के बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं। अडल्ट स्टेम सेल्स क्या होते हैं? अडल्ट स्टेम सेल्स आर फाउंड इन स्मॉल नंबर्स इन मोस्ट अडल्ट टिश्यूज। तो अडल्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं बहुत कम नंबर्स में पाए जाते हैं, अडल्ट टिश्यूज में पाए जाते हैं, साथ जैसे कि बोन मैरो हो गया, ठीक है, और गोनाड्स हो गए। यूजुअली ये मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट होते हैं। मल्टीपोटेंट मीन्स होता है इनके पास भी प्रॉपर्टी होती है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं, ये मीन्स होता है मल्टीपोटेंट का। और यूनिपोटेंट मीन्स होता है कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स में जब डिवाइड होते हैं तब उसका मतलब होता है यूनि। तो अभी हमने देखा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड अडल्ट स्टेम सेल्स। आप देखते हैं कि स्टेम सेल पोटेंसी क्या होती है और सेल पोटेंसी क्या होती है। तो स्टेम सेल पोटेंसी या सेल पोटेंसी क्या होती है? स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड एंड अनस्पेशलाइज्ड सेल दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ द सेल इन आर बॉडी। जैसा कि ऊपर भी बताया था एक पॉइंट में कि स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज्ड, यानी कि जिनका कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, ऐसे सेल्स होते हैं और ये डिफरेंशिएट होते हैं किसी भी टाइप ऑफ सेल्स में, हमारी बॉडी में किसी भी टाइप ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, इनके पास ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। दिस एबिलिटी ऑफ स्टेम सेल टू डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एज सेल पोटेंसी। यही जो एबिलिटी होती है स्टेम सेल की कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकता है, तो इसी को कहते हैं सेल पोटेंसी। पोटेंसी मीन्स कितनी काबिलियत है, ठीक है, कितने काबिल है, कितनी एबिलिटी है, तो इसी को कहते हैं स्टेम सेल पोटेंसी और सेल पोटेंसी। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पोटेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन टाइप से सेल पोटेंसी, टाइप ऑफ सेल पोटेंसी। तो सेल पोटेंसी मैंने बताया कि सेल की जो स्टेम सेल्स होते हैं उनमें कितनी एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, उसी को कहते हैं सेल पोटेंसी। अब इसके टाइप्स है, फोर टाइप्स की सेल पोटेंसी होती है। सबसे पहली होती है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट से यहाँ पे टोटी से आप समझ सकते हैं टोटल, मीन्स टोटीपोटेंट सेल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एवरी सेल इन द इम्ब्रियो। इम्ब्रियो के जितने भी सेल होते हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स बनता है इम्ब्रियो में, उसमें जितने भी सेल्स होते हैं उन, तो वो क्या होते हैं? टोटीपोटेंट्स होते हैं। टोटीपोटेंट ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो इम्ब्रियो के सारे सेल्स को बन सकते हैं। इन ऑर्गेनिज्म सच एज, जैसे कि हाइड्रा है, ईच इंडिविजुअल्स मीन्स दैट दे कैन जनरेट होल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हाइड्रा होता है, तो हाइड्रा में क्या होता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं
वो क्या करते हैं, पूरे एक जितने भी उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं तो वो होल ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर सकते हैं। तो उसी तरह टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं कि एम्ब्रियो के जितने भी सेल्स होते हैं इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरे सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे जाइगोट, तो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट तो सिंगल सेल हुआ ना, तो अब ये जाइगोट क्या होता है, जाइगोट की जब डिफ्रेंशिएट होता है तब वो एक एम्ब्रियो बनता है, तब एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जाइगोट क्या हो गया, जाइगोट हो गया टोटिपोटेंट का एग्जाम्पल। सेकेंड है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, प्लूरिपोटेंट क्या होते हैं, प्लूरी मीन्स हो गया यहाँ पे सेवरल। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैव द एबिलिटी टू बिकम ऑल द सेल टाइप्स ऑफ द एम्ब्रियो। सारे एम्ब्रियो के सारे सेल टाइप्स में ये बन सकता है, इसके पास एबिलिटी होती है, एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये इनर सेल मास हो गया और ये ट्रोफोब्लास्ट हो गया। तो इन जो प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं वो ट्रोफोब्लास्ट को छोड़ के सारे सेल्स एम्ब्रियो में बन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ बॉडी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम आईसीएम बट नॉट ऑल। तो जो सेल्स होते हैं बॉडी में वो क्या करते हैं, मोस्ट जो सेल्स होते हैं वो आईसीएम से बनते हैं। आईसीएम इनर सेल मास, ये इनर सेल मास है बट नॉट ऑल, लेकिन सारे नहीं। तो प्लूरिपोटेंट मीन्स हो गया कि सेवरल, बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन सारे नहीं। टोटिपोटेंट मीन्स हो गया टोटल। सो थर्ड वन इज मल्टीपोटेंट। मल्टी से आप समझ सकते हैं बहुत सारे, यानी कि मल्टीपल टाइप्स के। तो स्टेम सेल्स हुज कमिटमेंट इज लिमिटेड, यानी कि ऐसे स्टेम सेल जिनकी कमिटमेंट क्या है, लिमिटेड है टू आर रिलेटिवली स्मॉल सबसेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सेल्स ऑफ द बॉडी। यानी कि मल्टीपोटेंट ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जिनकी कमिटमेंट जो है वो लिमिटेड है, यानी कि बॉडी के कुछ लिमिटेड ही सेल्स बना सकते हैं, बन सकते हैं। बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उसके कुछ लिमिटेड सेल्स बन सकते हैं। दीज आर यूजुअली अडल्ट स्टेम सेल्स। ये यूजुअली क्या होते हैं, अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं। तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं जैसे कि हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल। हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल कैन फॉर्म द ग्रेन्युलोसाइट, प्लेटलेट एंड आरबीसीज सेल लीनियज, जिसको ये बना सकता है। ठीक है, हेमाटोपोएटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स है, प्लेटलेट्स है या आरबीसीज है, ये बना सकता है। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के पार्ट्स क्या होते हैं कि पूरा तो नहीं बना सकता, जैसे टोटिपोटेंट क्या था कि इम्ब्रियो के सारे सेल्स को बना रहा था, लेकिन मल्टीपोटेंट क्या है कि वो इम्ब्रियो के कुछ सेल्स को बना रहा है, सारे सेल्स को नहीं बना रहा है, कुछ यानी कि मल्टीपल सेल्स को बना रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स कैन गिव राइज टू बोन, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू। जो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स होते हैं इनके पास क्या कैपेबिलिटी होती है कि ये बोन या फिर कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज को बना सकते हैं। ठीक है, मेमरी स्टेम सेल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, कैन फॉर्म ऑल द डिफरेंट सेल टाइप्स ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं तो इनके पास इसकी कैपेबिलिटी होती है। तो मल्टीपोटेंट क्या होगी कि बॉडी के मल्टीपल सेल्स को ये बना रहे, लेकिन सारे सेल्स को नहीं, सारे की प्रॉपर्टी थी टोटिपोटेंट के पास। और प्लूरिपोटेंट के पास क्या था कि वो ट्रोफोब्लास्ट को छोड़ के एम्ब्रियो के सारे सेल्स को बना रहा था। सो फोर टाइप्स है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स विच आर फॉर्म्ड या फिर फाउंड पर्टिकुलर टिश्यूज एंड आर इन्वॉल्व इन रीजनरेटिंग अ पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ सेल। तो यूनिपोटेंट ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल को बना सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं, ये ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं दैट गिव राइज ओनली टू स्पर्म, जो सिर्फ स्पर्म बना सकते हैं। और ओगोनिया ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं दैट गिव राइज टू द एग, सिर्फ एग बना सकते हैं। तो फोर टाइप्स के स्टेम सेल्स के बारे में हमने पढ़ा। जो सेल पोटेंसी होती है, स्टेम सेल्स पोटेंसी, पहले है टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स, नेक्स्ट वन इज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, थर्ड है मल्टीपोटेंट एंड फोर्थ इज यूनिपोटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।